जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान आरपीएससी के सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के जीके का पेपर लीक होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार को मोहरा बना लिया है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आरपीएससी में प्रदर्शन कर घेराव करने की घोषणा के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन अलर्ट में आ गया है और पूरी आरपीएससी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस बीच जब भाजपा युवा कार्यकर्ता आरपीएससी पहुंचे तो बैरिकेड को गिरा दिया गया था। इसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ पुतला भी फूंका है। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया भी अचेत हो गए थे। पानी छिड़कने के बाद उसे होश में लाया गया। विरोध के दौरान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व मंत्री और विधायक अनिता भदेल आदि इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद रहे। दरअसल जानकारी के अनुसार युवा मोर्चा अजमेर देहात द्वारा भाजपा कार्यकर्ता अजमेर में एकत्रित होकर वहां से पैदल मार्च करते हुए आरपीएससी आयोग पहुंचे हैं। वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया तो कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे, ऐसे में बैरिकेड को गिरा दिया गया था। बाद में पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई थी, पुलिस ने उनको रोक दिया। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका है। यहां मटकियां तोड़ने के बाद भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। सो दोस्तों, सेकंड ग्रेड भर्ती लीक प्रकरण के दौरान प्रदर्शन की पूरी खबर की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।